तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधली थी, कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के बहुत से उपाय किए पर पुत्र नहीं हुआ, तो एक दिन बिना पुत्र के मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए गया। एक महात्मा की नजर पड़ी, उसने कहा क्यों मर रहे हो? बोले पुत्र नहीं है। तो बोले पुत्र नहीं है तो मर जाओगे, क्या होगा पुत्र से? अरे पुत्र से ही सुख तो नहीं है। अरे क्यों रो रहे हो? पुत्र से क्या होगा? विवेक से सब कुछ होगा, संग्रह से कुछ नहीं होगा, त्याग में शांति है। आत्मदेव जी ने महात्मा से कहा, महाराज व्याख्यान तो बहुत अच्छा दे रहे हो लेकिन विवेक एन भवेत किम में, मुझे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पुत्र चाहिए। जिस घर की आंगन में बालक चलना न सीखे, जिस घर की देहरी पर रुनक झुनक पायल बालक की न बजे, वो कोई घर है? महाराज मुझे पुत्र चाहिए। बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने तो महात्मा ने एक फल दे दिया, ले जाओ पत्नी को खिला देना तुम्हें पुत्र हो जाएगा। वो फल लेकर गया, खुश हुआ, पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने वो फल नहीं खाया और सहेली के सामने रोने लगी। वो बहन कह रही है क्यों रो रही हो? तो बोली देखो पति को दिमाग खराब हो गया है, बाबा जी से फल लेके आया, कहते हैं इसको खाऊंगी तो पुत्र हो जाए। बोली बहन हो सकता है प्रसाद है, ये फल तुम्हें पुत्र दे सकता है। बोले फल से पुत्र होगा फिर तो समस्या ही है, क्यों? बोले पुत्र मेरा पति चाहता है, मैं नहीं चाहती। कैसी पत्नी हो? अरे मां नहीं बनना चाहती हो? बोले मां फोकट में बन जाऊं तब तो ठीक है, कष्ट पाकर के मां नहीं बनना। बोले कैसा कष्ट? फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता। फल भक्षण करूंगी तो गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ हो जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी कहीं घर में आग लग जाए तो भाग नहीं पाऊंगी। कहीं बहन सुनाए मैंने कि एक सुखदेव जी थे और वो अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। अरे मेरा गर्भ कहीं 2-4 साल ही रह जाएगा तो आफत हो जाएगी, इस पुत्र दाता फल को मैं कदापि नहीं खा सकती। अपनी बहन से सौदा कर लिया कि तुम्हें पुत्र होने वाला है, मुझे तुम पुत्र दे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सौदा करके जो पुत्र पाया उसका नाम धुंधकारी हुआ, फल गाय को खिला दिया, फल के प्रभाव से गाय को गर्भ हो गया, गाय से बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण जी बड़े सुंदर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण ज्ञानी है, पंडित है, धुंधकारी खल है, बचपन से उत्पात मचाता है, बालकों का वध कर देता, खेलने के बहाने ले जाता, कहता देखो कुएं में क्या दिख रहा है, और जब बच्चा झांकने लग जाता तो पीछे से पैर उठाकर कुएं में छोड़ देता।